आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बस्ती पहुंचे हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बस्ती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। सांसद हरीश द्विवेदी ने जेपी नड्डा का किया स्वागत। बड़ी खबर सामने आ रही है, सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा का आयोजन। जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। बस्ती पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे बस्ती। सांसद हरीश द्विवेदी ने जेपी नड्डा का किया स्वागत। सुल्तानपुर में चीनी मिल कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारी। 34 महीने से नहीं मिला कर्मचारियों को वेतन। बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार चौथे दिन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। सुल्तानपुर में चीनी मिल कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही। वेतन नहीं मिलने से नाराज है कर्मचारी। 34 महीनों से नहीं मिला है कर्मचारियों को वेतन। लगातार चौथे दिन कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों ने चक्का जाम किया मिल का। सुल्तानपुर में चीनी मिल की नाराजगी देखने को मिल रही। चीनी मिल के कर्मचारी लगातार नाराज है, चार दिन से चक्का जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 34 महीनों से उन्हें भत्ता नहीं मिला है, उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो नाराज है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर में कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। हमारे साथ संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, आखिर किस वजह से नाराजगी है, किस वजह से नहीं दिया जा रहा है इनको वेतन? कई सवाल है जिसका जवाब हम चाहते हैं। लेकिन हालात ऐसे जो है, इसके हालात बस से बदतर होते चले गए हैं। और यहाँ की जो है जो चीनी मिल की क्षमता थी उसको भी नहीं बढ़ाया गया। और जो है यहाँ के 34 महीने से 306 कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, जिससे जो है कर्मचारी नाराज होकर के आज चीनी मिल पे जो है चौथे दिन हो गया इसको धरना देते हुए। यहाँ पे अभी तक इनकी मांग को जो है पूरी करने के लिए ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी कोई आया, ना यहाँ पे कोई जीएम आए, जिनका ये जो है इनका आक्रोश लगातार बढ़ता गया। और आज इन्होंने चीनी मिल का चक्का जाम कर दिया है। और किसान जो है ट्रैक्टर से जो अपना गन्ना लाए हुए हैं वो करीब 250 से 300 जो है ट्रैक्टर टाली जो है बाहर खड़े हुए हैं। जी, कितने दिनों से मांग कर रहे हैं अपने प्रदर्शन के लिए? ये चार दिन से क्रमिक धरने बैठे हुए हैं। लेकिन लगातार जो है यहाँ की सांसद मेनका गांधी और यहाँ के तमाम चारों भारतीय जनता पार्टी के विधायक और यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं जय प्रताप सिंह, उनसे भी इन लोग ये कर्मचारी लगातार जो है वेतन की मांग करते रहे, लेकिन कोई भी सुनवाई इनकी नहीं हुई। जो कि आज ये कर्मचारी 34 महीने से वेतन ना पाने पर ये भुखमरी के कगार पर है। और हमारे साथ इस समय जो है चीनी मिल के जो है जो इस श्रमिक धरने के अध्यक्ष है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है, जो है क्यों नहीं आपको वेतन मिल रहा है, तो आप ये बताइए क्या मामला है, कितने दिन से आप मांग कर रहे हैं क्यों वेतन मिल रहा है? वेतन जी, ये धरना प्रदर्शन आज कितने दिन चल रहा है लगभग? हम लोगों का 31 तारीख से लेकर 2 तारीख तक चला धरना। आज चौथे दिन हमने चक्का जाम करके बंद कर दिया है। आपने अपनी मांगों को लेकर के किन किन अधिकारियों से आपने वार्तालाप? कोई बचा नहीं। हम लोगों ने जो है कि अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिले, जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके 3 बार डीओ लेटर शासन को लिखवाया गया। जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हमारे हैं डॉक्टर आर्य वर्मा साहब, उनसे भी कई बार मुलाकात की, उन्हें भी चिट्ठी दी गई। उसके बाद जिला क्षेत्रीय विधायक जो हमारे सुरभान सिंह है, हमने इनसे मुलाकात की। देवमणि दुबे जी विधायक है, उनसे भी मिले। सीताराम वर्मा जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की।
डॉक्टर जय प्रताप सिंह जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी कई बार हम लोगों ने मुलाकात किया। उन्होंने आश्वासन ये दिया था कि कार्य योजना में हमने भेज दिया है आपका, जो अनुपूरक बजट होगा इसमें पास कर दिया जाएगा पैसा, लेकिन अनुपूरक बजट में भी हम लोगों के कोई पैसे का नाम नहीं, इसलिए मजबूरी में फिर हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए, दो बार गए, एक बार उनके वो एसडी से मुलाकात हुई, दूसरी बार जब गए हम लोग तो उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे महामंत्री अवधेश सिंह मुलाकात किए, क्योंकि वहाँ एक ही आदमी जा सकता है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपको वेतन देंगे, लेकिन 3 महीना बीतने के बाद भी कोई वेतन नहीं दिया गया। चीनी मिल का विस्तारीकरण के लिए तो जो है शायद बजट सैंक्शन हो चुका है। नहीं, ये बजट सैंक्शन नहीं हुआ है, ये केवल घोषणा हुई है, और घोषणा तो तमाम मतलब जो है कि हो रही समय चुनावी प्रलोभन है हमारे हिसाब से, जब तक जो है कि जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि होगा भी या नहीं। अगर आपका वेतन नहीं मिला तो ये धरना जो ये हमारा अनुरोध चलता है। तो आपने सुन लिया कि इनका कहना है कि जो है अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई, इन्होंने जो है सत्ता पक्ष के चारों विधायकों से बात किया, प्रभारी मंत्री से बात किया, और जो है उसके बाद इनकी मांग नहीं पूरी हुई, और इनका कहना कि अगर मांग नहीं पूरी होती तो अनवरत ये धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। जी राजीव, हम ये भी जानना चाहेंगे कि 34 महीनों से जब वेतन नहीं मिला है तो इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आखिर घर का खर्चा कैसे चला रहे हैं ये? इन लोगों का कहना है कि 34 महीने वेतन न मिलने के कारण हम लोग जो है कर्ज में डूब गए हैं, किसी तरह के जो है अपने नात रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, अपने सगे संबंधियों से उधारी पैसा लेकर के अपने परिवार का जीवन यापन हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का जो है समाधान अभी तक नहीं निकाला गया, और यहाँ के जो GM है वो भी इनकी बातों को जो है सुनने से ना इनकार करते हैं, और बताया अभी जाता है कि यहाँ के GM जो है यहाँ पे बैठते भी नहीं है। जी, तो इतनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं ये कर्मचारी और धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो क्या अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं है, वो सुध नहीं लेना चाहते, आखिर क्या वजह है जो इन लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, 4 दिन हो गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है? देखिए, यहाँ के जो है आला अधिकारी जिला अधिकारी को इस बात का मालूम है, यहाँ के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह को इस बात का मालूम है, लेकिन यहाँ के जिला अधिकारी का जो एक हम लोगों अनौपचारिक रूप से बात किया तो उनका ये कहना है 1 क्विंटल में 120 रुपए का खर्चा आता है, इसलिए हम जो है कहाँ से हम तनख्वाह देंगे, हम चीनी मिल जो है बंद तो होनी ही होनी है। जी राजीव, हम ये जानना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन में कितने कर्मचारी मौजूद है? इस समय यहाँ पे ये देखा जा सकता है, हम अपने साथी कहेंगे आप जो है थोड़ा सा जो है दिखाव है, यहाँ पे लगभग जो है करीब सैकड़ों की संख्या में, मतलब जो है सैकड़ों की संख्या में जो है कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये बताया जा रहा है 306 कर्मचारियों का 34 महीने वेतन नहीं मिला। जी राजीव, हम चाहेंगे आप और कर्मचारियों से भी बात करें, और यहाँ पे प्रदर्शन के दौरान किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ये भी जाने। जी, हमारे साथ एक जो है भाई है, इनसे हम बात करते हैं। कर्मचारी, क्या नाम है आपका? कितने जो है कितने दिन से आपको वेतन नहीं मिला? तो आइए हम जो है क्या नाम है आपका? आपको कितने दिन से वेतन नहीं मिला? 34 माह से वेतन नहीं मिला, आप खर्चा कैसे चला रहे हैं परिवार का? बैंक से पत्नी बीमार रहती है, बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है, पढ़ाई भी नहीं। इसके पहले भी जो है करीब 3-4 साल पहले जो है जब यहाँ का लोकसभा चुनाव हो रहा था, सांसद मेनका गांधी जो है चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी जो है 14 महीने तनख्वाह आप लोगों ने नहीं दी थी, आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया, उस समय दिलवाया था, लेकिन अब कोई नहीं सुनता। हम लोग मानी जानकारी क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, क्षेत्रीय विधायक माननीय मेनका गांधी जी, सांसद महोदय सबसे कह चुके, कोई सुनता है? सांसद जी तो कहते हैं हम जो है कर्मचारियों का या जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ, उनकी भी कोई नहीं सुनता, उच्चाधिकारी उनकी भी नहीं सुनता, सांसद महोदय की बात नहीं सुनते उस शब्द। आप ये जान ले, और ये मजबूर होकर हम लोग 24 घंटे चीनी मिल चलाते हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट पे, मजबूर होकर कर्जे से डूब कर यहाँ, तब आज ये निर्णय लिया गया कि अब इसको बंद नहीं कर।
राजीव इत्यादि में सभी प्रदर्शनकारी तो बैठे हुए हैं, इनको किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इनका खाने पीने का क्या प्रबंध है? इनके खाने पीने का जो प्रबंध है ये अपने अपने ही जो है हिसाब से कर रहे हैं, अपने लोगों को लेकर के जो है सहयोग लेकर के खाने पीने प्रबंध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठंड ठंड है, यहाँ पे एक जो है टीन सेट ऊपर लगा हुआ, उसी के नीचे ये दरी बिछा करके बैठे हुए हैं जो है जी। हमारे प्रदर्शन में कई बुजुर्ग भी मौजूद है राजीव, उनसे भी हाल जान लीजिए और किन तकलीफों का सामना कर रहे हैं उनसे भी बात करिए। जी जी, हम जो है हमारे सामने तमाम लोग हैं, बुजुर्ग टाइप बुजुर्ग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो है एक किन तकलीफों का सामना वो जो है कर रहे हैं। कितने महीने पहले नहीं मिली? 34 बार। तो आप अपने परिवार का जीविकोपार्जन कैसे कर रहे हैं? बहुत बड़ी दिक्कत चला रहे हैं। आप अभी तक 34 महीने सैलरी नहीं मिली, कितने कर्ज में हो गए होंगे? काफी कर्ज में। तो आपने सुना इनका भी कहना कि जो है 34 माह से वेतन नहीं मिला, हम जो है कर्ज में डूब चुके हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से नात रिश्तेदारों से मैं जो है कर्ज लेकर के जो है अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता राजीव शुक्ला राजीव श्रीवास्तव जुड़े थे जो सुल्तानपुर से है, और ये तस्वीरें सुल्तानपुर से सामने आ रही है जहाँ चीनी मिल के कर्मचारी काफी नाराज है क्योंकि एक नहीं दो नहीं 34 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है, कर्ज में डूब चुके हैं घर का खर्चा पानी चलाने के लिए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, प्रदर्शन करने को मजबूर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।